हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.6 के बारे में, और ये एक हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है कि ये जो PS है ना, वो बाइसेक्टर है PQR का, और हमें प्रूफ करना है कि QS अपॉन SR बराबर है PQ अपॉन PR के, इसके इक्वल है। QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR, ये इक्वल टू हमें प्रूफ करना है। और ये हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका बाइसेक्टर भी हमें दिया हुआ है। देखिए, इसके अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं सबसे पहले एक चीज आपको हमें सीखनी पड़ेगी कि सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये हमने लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करी RT, ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी जो कि इस PS के पैरेलल थी, राइट। और जो SP था हमारा, SP था वो इंटरसेक्ट कर रहा था, और ये जो P था इसको हमने एक्सटेंड किया जो कि एक पॉइंट था हमारा T, वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था। हमने क्या किया, इस P के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करा। देखिए, इस P के पैरेलल हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ करा, और जैसे हमने इस P के पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया तो हमने देखा कि ये जो आगे बढ़ रहा था, ये जो T जो पॉइंट था, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, जो लाइन एक्सटेंड हो रही थी वो वहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब यहां से आपको एक चीज यहां पे मिली है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे अब हमें क्या करना है, जो एंगल्स हैं वो देखना है कि कौन कौन से एंगल्स हमारे इक्वल हैं, चाहे हम एंगल P की बात करें, एंगल R की बात करें। यहाँ पे हम एंगल जो S है वो एंगल R के इक्वल है, और ये जो आपको एंगल दिख रहा है PTR में, ये जो एंगल दिख रहा है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हम वो सारे एंगल सबसे पहले लिखने वाले, राइट। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो PS है वो एंगल बाइसेक्टर है, जो PS है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो जो एंगल QPR है, जो QPR है, ये जो कंप्लीट एंगल है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, SPR के बराबर होगा, SPR के बराबर होगा। जो QPR है वो SPR के बराबर होगा, राइट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शंस किए थे, उस कंस्ट्रक्शंस में हमने देखा कि जो हमारी PS है वो पैरेलल है TR के। अगर हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं तो जो उसके एंगल्स होते हैं, चाहे हम SPR की बात करें या PRT की बात करें, ये भी इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे हम एंगल कौन कौन सा इक्वल बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल हम QPS के बारे में बात कर रहे थे वो SPR के इक्वल होगा, राइट। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दो हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, QPS का भी एंगल हम बता सकते हैं कि ये भी हमारा इक्वल होगा, QPS वाला भी एंगल हमारा इक्वल होगा, QPS वाला जो एंगल है वो QTR के इक्वल होगा, QTR के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो P है और ये जो T है ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ भी जो लाइनें हमारी पैरेलल हैं। तीन इक्वेशंस मिली है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों में जो हमारा एंगल है वो हमारा इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो PRT है वो इक्वल हो जाएगा QTR के, PRT जो है वो QTR के इक्वल हो जाएगा, राइट। अगर ये पैरेलल है और तीनों एंगल्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं, इजिली कह सकते हैं इस चीज को। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते कि अगर हम तीनों इक्वेशन से देखते हैं तो एंगल जो PRT है वो इक्वल आ रहा है एंगल QTR के। तो हम कह सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल्स हैं तो ये जो साइड्स होंगी PT, PR, ये दोनों इक्वल होंगी। अगर साइड्स इक्वल हैं तो हम थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, और थेल्स थ्योरम में क्या होता है, जो हमारा ट्राइंगल है, ये जो पैरेलल है और साइड जो इक्वल है, तो थेल्स थ्योरम ये कहती है, जो प्रोपोर्शनल थ्योरम्स होती है QTR की, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, हो जाएगा हमारा QS अपॉन SR इक्वल टू QP अपॉन PT, राइट। तो यहाँ पे जो चीजें हैं हम इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, ये हमारा है QS अपॉन SR और QP अपॉन PT इक्वल टू QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR। इसको ऐसा लिखना होगा, QS अपॉन SR इक्वल टू QP अपॉन PT, इसी तरीके से QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR, राइट। तो
ये इस तरह से हम कर रहे हैं क्योंकि पीटी जो है वो हमारा पीआर के पहले इक्वल यहाँ पे हमने प्रूफ किया था, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में, क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, या फिर पी आर आप कह सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमें प्रूफ करनी थी और ये चीज हमसे प्रूफ भी हुई है, राइट। आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजें हमारी काम करने वाली हैं, किस तरीके से चीजें हमारी काम करने वाली है, ये सारी चीजें हम प्रूफ करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो एसी है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और जो डीएम है वो परपेंडिकुलर है ये बीसी के ऊपर, और जो डीएन है वो परपेंडिकुलर है एएन के ऊपर, और यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। देखिए हमें प्रूफ करना है डीएम स्क्वायर इक्वल टू डीएन इंटू एमसी, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले भी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अगर लाइंस हमारी पैरेलल है हमने ज्वाइन कर दिया, जो हमारा डीबी था इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अगर हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक डायग्राम्स मिला, राइट। अब जैसे ये हमारे पास डायग्राम्स मिला तो हम देख पा रहे हैं कि यार जो डीएन है वो पैरेलल है सीबी के, और फिर जो डीएम है ये भी पैरेलल है एबी के, और जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, चूंकि हम यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और एंगल हमारा जो है वो बी 90 डिग्री है, राइट राइट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी एम एन बी ये जो दिख रहा है आपको, या फिर यहाँ पे आप देखें तो ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो हम क्लियरली इस चीज को बता सकते हैं कि जो इनके साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, चाहे हम डी एन इक्वल टू एम बी कहें या फिर डी एम इक्वल टू एन एन बी कहें, ये साइड्स इनकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बिकॉज रेक्टेंगल था इस वजह से उनके साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। अगर उनके साइड्स इक्वल होंगी तो हम इस कंडीशन से ये बात प्रूफ होती है कि अगर डी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि बी ए सी से ड्रॉ किया गया होगा, तो जो सी डी बी होगा, जो हमारा सी डी और बी है ये हमारा 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का है तो एंगल जो सेकेंड है, देखिए ये सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल ये दोनों मिलकर के हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, राइट। और इसी तरीके से हम सी डी एम की बात करें तो हमारा 180 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल सी डी एम में ये जो तीनों एंगल्स होंगे वो मिल करके कितने हो जाएंगे, 180 के होंगे। तो दो एंगल्स के बारे में तो हमें पता नहीं है, और डी एम सी इक्वल टू 180। देखिए वन और टू जो एंगल हैं वो हमारे 90 डिग्री के हैं, यहाँ पे ये दोनों मिलके हमारे 90 डिग्री के हो गए, राइट। क्योंकि डी एम सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 90 डिग्री, तो 90 में से 180 को 180 में से 90 को माइनस करेंगे 90 आएगा, फिर डी एम बी में देखेंगे 3 और 4 ये भी 90 डिग्री का आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो इक्वेशंस मिली है, पहले फर्स्ट सेकेंड को करेंगे और फिर फर्स्ट थर्ड को करेंगे, तो हमने देखा कि जो हमारे एंगल फर्स्ट हैं और जो एंगल थर्ड है वो 90 90 आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से सेकेंड और फोर्थ भी इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो हम एंगल फर्स्ट एंगल थर्ड प्रूफ हो गया, एंगल सेकेंड और फोर्थ ये भी प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, और हमारा जो ट्राइंगल था उसमें सिमिलरिटी हमारी आ रही थी, राइट। जो हमारा ट्राइंगल था उसमें क्या आ रही थी, हमारी सिमिलरिटीज आ रही थी। यहाँ पे देखिए एंगल एंगल सिमिलरिटी आ गई हमारी क्राइटेरिया। अगर एंगल एंगल सिमिलरिटी के क्राइटेरिया आ रही है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो डीएम अपॉन डी बीएम अपॉन डीएम होगा इक्वल होगा डीएम अपॉन एमसी के। इसी तरीके से डीएन अपॉन डीएम इक्वल टू डीएम अपॉन एमसी, और क्यों, क्योंकि बीएम इक्वल टू डीएन ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं अगर हम डीएन का यहाँ पे रख देंगे डीएम का स्क्वायर इक्वल टू डीएन इंटू एमसी। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया जा सकता है, जिसके अंदर हमने केवल एक चीज अभी प्रूफ करी है डीएन इंटू एमसी, लेकिन हमें एक और क्वेश्चन प्रूफ करना है और उस क्वेश्चन को भी हम इसी के बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ध्यान से जो ये डायग्राम्स है यही डायग्राम्स हम यूज करने वाले हैं इसके जो सेकेंड पार्ट है उसको प्रूफ करने के लिए। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है डीएम इंटू एन, तो जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी प्रूफ करी थी, आपने देखा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंगल्स हमारे आए थे, इक्वेशन हमारे आए थे, फर्स्ट इक्वेशन आया था एंगल सेकेंड और एंगल थर्ड 90 डिग्री, एंगल थर्ड और एंगल फोर्थ वो भी 90 डिग्री आ रहा था, और एंगल फोर्थ जो हमने देखा अभी जो कि 5 और 7 ये भी 90 डिग्री आ रहा है। देखिए यहाँ पे 5 और 7 ये भी 90 डिग्री आ रहा है, राइट। तो जो डी ए एन है, अब ये वाला राइट एंगल लेंगे हम,
यहां पे हमने क्या देखा कि 6 और 8 भी 90 डिग्री है। तो अगर डी हमारा क्या होगा, अगर डी ई द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू ए सी, तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि ए डी भी 90 डिग्री होगा। तो 5 और 6 हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से 4th और 6th को अगर हम देखें तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो एंगल 6 होगा और जो 7 होगा दोनों हमारे इक्वल होंगे। अगर हमारे एंगल 6 और एंगल 7 दोनों इक्वल हो रहे हैं, और ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल हो रहे हैं, उसी तरीके से हमारे एंगल 8 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे, क्योंकि वहां भी आप देख पा रहे थे कि आप एंगल 5 प्लस 6 वो भी 90 डिग्री का आ रहा है, और एंगल 6 और 8 वो भी 90 डिग्री का आ रहा है। तो 5 और 8 दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 6 7 तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ये भी प्रूफ हो चुका है, यहाँ भी एंगल एंगल सिमिलरिटी लगेगी। अगर एंगल एंगल सिमिलरिटी लगती है तो जो हमारे साइड होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर प्रोपोर्शनल होंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, डीएन का स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन बी, और ये चीज यहाँ पे प्रूफ होती है, राइट। तो इजिली इन क्वेश्चंस को समझा जा सकता है, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और जो स्टार्टिंग में हम एंड रिजल्ट्स को माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चाहे हम प्रोपोर्शनल थ्योरम्स यूज करें, थेल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, उन सारी चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन को बहुत बेटर वे में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखें, ये पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे ए बी सी जो दिया हुआ है ये एक ट्राइंगल है जिसमें जो ए बी सी है, जो एंगल ए बी सी वो 90 से बड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया हुआ है। और जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है सी बी के ऊपर, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूफ करना है कि जो ए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू बी डी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ए डी बी में। तो जो ए बी का स्क्वायर होगा वो ए डी प्लस बी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है ना कि टू, आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ए सी डी, अब इस पूरे में लेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर यहां भी हो जाएगा। ये चीजें ध्यान से देखिए, आप समझिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब ये जो डी सी है, अभी जो डी सी है इसको हम डी बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। यहां पे हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, यानी कि डी बी इंटू बी सी। अब यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, चूंकि हमने प्रूफ कर लिया तो इस तरीके से इसके आंसर्स को हम इजीली समझ सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से ये चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए यहां पे इस बार इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारा एंगल दिया हुआ है ए बी सी वो 90 से छोटा है, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। प्रूफ करना इस बार -2 BC इंटू बी डी। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सबसे पहले। तो ये ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, यहाँ से हमने माइनस कर दिया ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करके, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। और यहां से अब हम क्या करने वाले हैं, पूरे कंप्लीट ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि हमने जो हमारी वैल्यू थी बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी, और ए बी और ये बी डी पहले से ही था, डी सी की जो वैल्यू थी उसकी जगह पे हमने बी सी माइनस बी डी कर दिया। जब हमने बी सी माइनस बी डी किया तो ये इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अब यहाँ पे हमने वैल्यू प्रूफ कर दिया तो ये आ गया हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये बी डी से बी डी तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो बी डी है, बी डी से हमारा ये बी डी कैंसिल आउट हो गया, ये बी सी स्क्वायर बचा, तो बी सी स्क्वायर और माइनस का 2 BC जो कि ए सी स्क्वायर के बराबर था। और यही चीज हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी जिसको हमने प्रूफ किया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक चीज क्लियरली यहां पे आपको देखने को मिलेगी कि जो ए सी का स्क्वायर है, जो आपको दिया हुआ है ए सी का स्क्वायर, वो बराबर है
ईडी के स्क्वायर प्लस बीसी इंटू डीएम प्लस बीसी अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पिक्चर में हमें दिया हुआ है कि ये जो हमारा एडी है ये मीडियन है राइट, और एएम जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखिए यहां पे तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं केवल पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे यूज करेंगे। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ये जो ए एम का स्क्वायर और प्लस एम डी का स्क्वायर वो ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ए एम डी के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अब हम ए एम सी के अंदर यूज करेंगे, तो अब ये जो ए सी का स्क्वायर है वो सी एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारा एम सी है वो एम डी प्लस डी सी है, तो एम डी प्लस डी सी हमने प्रूफ कर दिया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी आ गया कम्प्लीटली। यहाँ पे जब ये चीज आ चुकी है तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ए डी का स्क्वायर है और प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस ए एम इंटू एम डी ए एम इंटू ए एम प्लस एम डी का स्क्वायर राइट, ए एम प्लस एम डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर के बराबर है। तो ए डी हमने यहाँ पे रख दिया, डी सी स्क्वायर प्लस ये चीजें आ गई। अब हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें एक चीज हमें क्लियरली समझ आ रही है कि अगर वो मीडियन है तो वो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन टू। अगर ये डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन टू मीडियन है, तो जहां भी डी सी था वहां पे हमने बी सी रख दिया और फिर ये चीजें प्रूफ हो गई। क्लियरली ये जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो चीज हमें मिल चुकी है राइट। अब बारी है इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको समझने की। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, इस बार हमें ये चीज प्रूव करनी है जिसमें कि ये दिया हुआ है हमें AD स्क्वायर माइनस BC इनटू MD इक्वल टू BC अपॉन 2 का स्क्वायर राइट। अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वही चीजें करेंगे जो पहले हम कर रहे थे। इस बार भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे लेकिन इस बार ABM में करेंगे। तो ये जो AB है वो AM प्लस BM के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम AD माइनस DM करें, AD माइनस DM हम कर देंगे अगर ये हमारे जो वैल्यू दी हुई है इक्वल टू MB स्क्वायर, AM की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस BD माइनस MD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू MD 2AB हो गया यहाँ पे राइट। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे AD माइनस DM करते हैं, AD का स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर AM के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा राइट। अब ये जो AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे भी हमने देखा जो MB का स्क्वायर दिया हुआ है वो BD का स्क्वायर BD माइनस MD का स्क्वायर, तो ये आ गया BD माइनस MD का स्क्वायर राइट। और यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको हमने पुट किया, अगर हमने वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे ये सारी चीजें मिली। और इस बार जो बी सी अपॉन टू था हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो बी डी की वैल्यू थी उसको पुट करी, तो ये क्लियरली हमें ये चीज मिल चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे पास ये हो गया ए डी का स्क्वायर प्लस ये हो गया बी डी का स्क्वायर और ये हो गया टू बी डी इंटू एम डी, और जो डी एम था वो कम्प्लीटली हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहीं पे आप देखेंगे एम डी का स्क्वायर और ए डी एम का स्क्वायर दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे जब इसको आप एक्सपांड करेंगे वैल्यूज को, तो ये हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे राइट, ये दोनों कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डी एम और एम डी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हमारा ए डी स्क्वायर बचा, बी डी स्क्वायर बचा और ये बची वैल्यूज। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया तो ये प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू बी सी स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम इस बार हम अप्लाई करेंगे ए बी एम में, तो ये चीज हमें मिली फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन अगर हम
एएमसी में यूज करेंगे, तो यहां भी हमें एक इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन तो हमें मिल चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो एक और इक्वेशन मिल गई, दोनों को प्लस कर दें, 2m² प्लस mb² प्लस mc² इक्वल टू ab² प्लस ac². अब जो इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर के जो हमें इक्वेशन मिली थी, इन इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करें तो हम bd माइनस dm लिख सकते हैं, और ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, इसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया राइट। तो ये चीजें हमें मिली, और फिर उसके बाद से जो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली bc अपॉन टू, ये पुट कर दिया हमने, चूंकि हाफ था उसका, bc अपॉन टू हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, तो क्लियरली जो उसका आंसर है वो कंप्लीटली आ चुका है राइट। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं राइट। जो डीसी था उसकी जगह पे हमने बीसी अपॉन टू रख दिया, और ये चीज प्रूफ होगा, जो चीज हमें प्रूफ करनी थी क्वेश्चन के अंदर राइट, क्लियरली ये चीज प्रूफ हो गई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स भी, इसको आप इजिली समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर हमें प्रूफ करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स पैरेललोग्राम इट्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, जो जो इसके साइड्स के स्क्वायर्स होता है वो उसके सम के इक्वल होता है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। यानी कि आप ये कहें कि जो ac² है और जो bd² है, इन दोनों का जो स्क्वायर है ना, वो ये जो साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी, इनकी सम के बराबर होता है, यही चीज हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हमने कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें यहाँ पे, और इस परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया हमने, और सबसे पहले ट्राइंगल मैं आपको बताऊंगा डी ई ए, इसको हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं, तो ये जो ए डी है वो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ई का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर इक्वल टू डी ए का स्क्वायर राइट। एक हमें इक्वेशन मिली इस, ये जो हमने डी ई ए लिया था राइट। अब इसके बेसिस पे एक और हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, अब यूज करेंगे डी ई बी, अब इस कंप्लीट के अंदर यूज करेंगे, तो जो डी बी का स्क्वायर है वो बी ई और प्लस ये डी ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर हो गया। अब जो वैल्यूज दी हुई है ई बी की, अब ई ए प्लस ए बी दिया हुआ है, तो इसको भी हमने पुट कर दिया, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम यूज करेंगे ए डी एफ, इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम फिर से यूज करेंगे, तो ये मिलेगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ प्लस एफ डी का स्क्वायर। एक इक्वेशन से हमने ये चीज करी, अब दूसरी इक्वेशन से भी हमने ये चीज करी, अब ए एफ सी में भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और जो उसके बाद हमारे पास जो एफ सी की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए डी सी माइनस डी एफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा एफ डी, डी सी माइनस एफ डी, ये पूरा कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकलेगा। अब फिर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन मिल गई। हमने देखा कि ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी बराबर होगा सी डी के, तो ये और बी सी बराबर होगा ए डी के, तो ये जो इक्वेशन थी उनमें वैल्यूज को पुट कर दिया हमने दो ट्राइंगल्स में, और ये 90 डिग्री आ रहा, पैरेलल भी है कॉमन भी है, देखिए एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं डी ई ए और ए डी एफ में, ये भी हमारा पैरेलल है तो एंगल इक्वल होगा, ए डी भी कॉमन, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ई ए है वो बराबर होगा डी एफ के, और अगर ये बराबर होगा इसके, तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था थर्ड इक्वेशन था उन सबको हमने प्लस किया, और प्लस करने के बाद ये चीजें आई, और फिर हमने स्क्वायर किया इनका, और फोर्थ और सिक्स्थ जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था इसके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया राइट। अब देखिए ध्यान से, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, सेम यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, जो कि हमें प्रूफ हो चुकी है। देखिए सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है,
सबसे पहले हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया, उसके बाद इस ट्राइंगल को लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, इस ट्राइंगल को लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, इस कंप्लीट ट्राइंगल को लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, इस कंप्लीट ट्राइंगल को लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, अलग अलग इक्वेशंस बनाई, उन सारे इक्वेशंस को एड किया, वैल्यूज पुट करी और उसके बाद इजिली सॉल्व किया। ये चीजें हमें कंप्लीटली यहाँ पे मिल चुकी है, राइट। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। और देखिए इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है हमारा एपीसी, वो हमारा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, वो सिमिलर है ट्राइंगल डीपीबी के। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम सबसे पहले तो जो सीबी है उसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एपीसी और डीपीबी मिलेगा, डीपीबी मिलेगा। इन दोनों ट्राइंगल्स में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल है, ये हमारा एंगल इक्वल है क्योंकि तो सेम सेगमेंट में है ना, सीएपी और फिर बीडीपी, ये भी इक्वल है। और तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। बहुत सिंपल था, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। बट इसका सेकेंड क्वेश्चन जो कि इसी के आगे की पार्ट है और जिसमें एपी इंटू बीपी वो बराबर है सीपी इंटू डीपी के, ये बोल रहा है। देखिए अभी हमने जब हमने सीबी को ज्वाइन किया था और ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था कि ये सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल होती हैं, अगर सिमिलर होगा तो ये हो गई करस्पॉन्डिंग साइड्स जिनको हमने प्रोपोर्शनली रख दिया। अब देखिए एपी अपॉन डीपी इक्वल टू पीसी अपॉन बीसी रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये चीजें हमें मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इजी था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन में सबसे खास बात बताऊं मैं आपको कि हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना है, तो सेम हम क्या करेंगे, यहां भी पीएसी लेंगे और पीडीबी लेंगे। इन दोनों में हमने देखा कॉमन एंगल पी है, और पीएसी की बात करें तो, या फिर हम पीडीसी की बात करें, दोनों हमारा है जो एक्सटर्नल एंगल है साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग बराबर होंगे क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल है, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल एंगल का कॉन्ग्रेंसी रूल लग गया। अगर एंगल एंगल का कॉन्ग्रेंसी रूल लग गया तो वो हमारा प्रूफ हो चुका है जो हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना था। लेकिन उसी के आगे हमें पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी प्रूफ करना है। तो अगर वो सिमिलर है, हमने प्रूफ कर लिया कि सिमिलर है, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रोपोर्शनल होती हैं, हमने प्रोपोर्शनल के बाद ये सारी चीजें प्रूफ कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हमें एक ये दिया हुआ है फिगर, और उस फिगर के अंदर जो डी है पॉइंट और जो बी सी है वो इसका बी सी को ये क्या कर रहा है, डी इज अ पॉइंट जैसे साइड ऑफ बी सी, और जो बी सी है वो बी डी अपॉन सी डी कर रहा है और फिर ए बी अपॉन ए सी कर रहा है, राइट। मैं प्रूफ करना है कि जो ए डी है वो बाइसेक्टर, मैं बाइसेक्टर प्रूफ करना है और ये पैरेलल्स प्रोपोर्शनल्स दिए हुए हैं ए बी सी के। देखिए सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम एक्सटेंड करेंगे, हमने एक्सटेंड किया इस क्वेश्चन को, जो बी ए इसको और एक्सटेंड किया, यहाँ तक एक्सटेंड किया पी तक, और फिर ए सी को ज्वाइन कर दिया। जब हमने ज्वाइन किया तो हमने देखा कि जो हमें बी डी अपॉन सी डी और ए बी अपॉन ए सी दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है यानी कि प्रोपोर्शनली दिया हुआ है, तो जो अगर हमारा सिमिलर ट्राइंगल होता था तो हम ये कहते थे कि ये प्रोपोर्शनल होंगे इसके साइड से, अगर प्रोपोर्शनल दिया हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर होंगे, पैरेलल होंगे, साइड्स हमारी पैरेलल दी होंगी, करस्पोंडिंग एंगल इसके बराबर होंगे बी ए डी और ए पी सी की, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्वेश्चन नंबर 9th में, ये जो डी ए डी ए सी है और फिर हम ए सी पी है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd से, तो क्लियरली ये हम अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन में एपी जो है वो बराबर होगा हमारा एसी के, एपी जो है
वो एसी के बराबर होगा, ये दोनों साइड्स हमारी बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होगा। तो हम जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में जैसे कि हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स था और फिर अल्टरनेट एंगल तो हमारा था डीएसी और एसीपी, और यहाँ पे देखिए एपीसी और एसीपी दिया हुआ है, एपीसी और एसीपी दिया हुआ। इन तीनों को कंपेयर करें तो हम बीएडी इक्वल टू एपीसी कर सकते हैं। तो अगर ये एंगल इक्वल होगा तो एडी क्या होगा, बीएसी का ही तो बाइसेक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एडी है वो बीएसी का क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे बीएडी कंप्लीटली इक्वल है ए ए पी सी के। तो ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा एडी। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9th को भी प्रूफ कर दिया कि एडी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। अब इस क्वेश्चन नंबर 10th में एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए कि जो नाजिमा है वो फ्लाई फिशिंग कर रही है एक्सट्रीम के अंदर, राइट। अब जो टिप ऑफ हर फिशिंग रोड दिया हुआ है 1.8 मीटर एबव है, यहां से आप देखिए कंप्लीटली डायग्राम से आप समझ पाएंगे चीजें को। और जो वाटर का सरफेस है वो इससे 1.8 मीटर ऊपर है, जो वाटर है यहां से कंप्लीटली 3.6 मीटर अवे है, वो दूर है। पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ रोड एज्यूमिंग हर स्ट्रिंग्स आर टिप हर रोड टू फ्लाई, राइट। हमें ये अज्यूम करना है जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, इफ सी पुल्स टू स्ट्रिंग रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि अगर ये पुल कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आफ्टर 12 सेकेंड्स, वो कितना 5 सेकेंड व्हाट विल बी हो रहा है, ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा अगर वो आफ्टर 12 सेकेंड के बाद क्या होगा उसका डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक सिंपल सा ट्राइंगल आप समझिए। इस ट्राइंगल में हम ये मान लेते हैं कि जो सबसे पहले जो ए बी है वो हाइट है 1.8 वाटर लेवल से, और फिर जो रॉड दिया हुआ है उसकी वाटर सरफेस से, जो रॉड दी हुई है वो वाटर सरफेस से हमने मान ली, और जो बी सी है ये है डिस्टेंस टिप से, फिशिंग रॉड से डिस्टेंस ये 2.5, ये फ्लाई करेगा यहां से, राइट। और ये टिप ए बी हो गया, ये 1.8 मीटर हो गया। सबसे पहले अभी इस पे फोकस करते हैं, और ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ए सी स्ट्रिंग हुई, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यूज जिनकी दी हुई है उनकी हमने पुट कर ली, तो ए बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, बट हमें इन दोनों को प्लस करने पे ए सी की वैल्यू हमें मिली है, राइट। ए बी प्लस बी सी 1.8, और ये ए सी की वैल्यू हमें मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए सी का स्क्वायर है या जो ए बी का स्क्वायर है आपके, ए सी का स्क्वायर है जो, वो आएगा हमारा कितना, वो आ गया हमारा कंप्लीटली 9 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें अगर ध्यान से तो हमारे पास ए सी का जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई है, राइट। ए सी है, ए सी, ए सी, राइट, क्योंकि ए बी हमारे पास दिया हुआ है 1.8 और ये ए सी की वैल्यू आई है 9.9 सेंटीमीटर, आप 9 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। और ए बी की अगर बात करें, ए सी की बात करें, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 हमारे पास कंप्लीटली ए सी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए सी है वो हमारा 3 आ गया, राइट। आउट स्ट्रिंग हमारा 3 आ गया, सॉरी ये बी नहीं है बल्कि सी है, ए सी है, ये 3 आ गया आउट स्ट्रिंग हमारा। अब आउट स्ट्रिंग तो 3 आ गया, लेकिन वो बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो पुल कर रहा है, खींच रहा है नाजिमा, तो 12 सेकेंड बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो चीज दी हुई है, 12 सेकेंड इंटू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आएगी उसकी आप कह सकते हैं किस रेट से वो पुश कर रहा है, उसकी लेंथ का हमें पता चल जाएगा, तो यानी डिस्टेंस का पता चल जाएगा। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से वो पुश कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वो कितने 12 सेकेंड बाद हो जाएगा, 12 इंटू 5 इन 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6 मीटर। और मीटर में सारी चीजें लेकर के चल रहे हैं तो ये 0.6 मीटर होगा। हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर 12 सेकेंड जो उसकी पोजीशन होगी वो चेंज होगी, आफ्टर 12 सेकेंड जो उसकी पोजीशन होगी वो चेंज होगी,
तो अगर वो 12 सेकंड बाद उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो तो 3 दी हुई है। अगर वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से 0.6 आ गया इसका। अब एक चीज यहां मैं आपको बताऊं कि अब जो सिचुएशन है अब हम किस तरीके से करने वाले उस पर फोकस करिए, ध्यान से समझिए। हमारे पास दो चीजें आ चुकी थी, एक तो 3 मीटर हमने फाइंड आउट कर लिया था और एक 12 सेकेंड बाद 0.6 मीटर हमने फाइंड आउट किया था उसका डिस्टेंस, राइट। ये हमने फाइंड आउट किया था 0.6, वो इतना पुल कर रहा है, स्ट्रिंग इतना पुल करेगा 0.6, राइट। ये 0.6 है और 3 मीटर हमने पहले ही ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। तो हमने क्या किया, अब हम मान लेते हैं कि लेट फ्लाई पॉइंट डी आफ्टर 12 सेकेंड, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउट 12 सेकेंड इज AD इक्वल टू हो जाएगा AC। AC में से हम माइनस कर देंगे जो 12 सेकेंड बाद जो पुल कर रहा है उसको, जब हम उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कंप्लीटली AD इक्वल टू हो जाएगा AC-12, राइट। AC-12 और फिर हम 3 माइनस 0.6 कर देंगे, 3 में से 0.6 को माइनस करेंगे 2.4 मीटर आएगा, राइट। अब AD भी देखेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया और वैल्यूज पुट करी, चूंकि ये दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है और ये जो है हमारा वो हम फाइंड आउट करेंगे तो BD की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से प्रूव करने के बाद BD की वैल्यू आ जाएगी 1.587, ये आ गई वैल्यू। तो वो कंप्लीटली जो हमारा डिस्टेंस था ना BD+1.2 था, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस हमारा फ्लाई कर रहा था वो BD+1.2 होगा, BD+1.2। अभी 1.2 क्यों आया, क्योंकि जो हमने BD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी उसमें से BC-BD कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 2.79 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा और यही इसका आंसर भी होगा। देखिए एक बार फिर से मैं फटाफट इस क्वेश्चन नंबर 10th को रिवाइज करा देता हूँ कि क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए और किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली, ये क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम था आपको इस डायग्राम पे फोकस करना और इस पे फोकस करके हम पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी 3। सबसे पहले आप इस चीज पे फोकस करिए, जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और फिर जो स्पीड दी थी इस स्पीड से वो पुल आउट कर रहा है तो यहाँ पे हमने 12 × 5 कर दिया, 0.6 आ गया मीटर। अब जैसे 0.6 मीटर आया यहाँ पे तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा इस डायग्राम के अंदर कि वो पुल करने के पास कितने स्पीड से कितने सेकेंड्स बाद कहाँ पहुंच रहा है, तो जो फ्लाई कर रहा है पॉइंट उसका, जो पॉइंट उसका डी है यही तो फ्लाई कर रहा है ना, ये जो पॉइंट जो डी है अगर पुल करेगा कोई भी चीज तो ये यहीं से फ्लाई करेगा, राइट। डी तो फ्लाई करेगा तो अब हम करेंगे क्या कि अब जो अगर हमें AD फाइंड आउट करनी है, AD फाइंड आउट करनी है कि कितना फ्लाई करेगा, तो हम करेंगे क्या, ये जो AC है इसमें से जो स्ट्रिंग पुल्ड हुआ है 12 सेकेंड बाद उसमें से माइनस करेंगे तो ये जो 3 हमारा आया हुआ था पहले से इसमें से हम 0.6 हमने फाइंड आउट किया उसको माइनस कर देंगे तो ये 2.4 मीटर आ गया। तो ये हमारा हो गया 2.4 मीटर, राइट। अब ये 2.4 हो गया और ये 1.8 हो गया। अब इस वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया तो हमें BD की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब BD की वैल्यू आ गई 1.58, ये आ गया हमारा 1.587, 1.587 आ गया था, राइट। अब जब 1.578 आ चुका था तो आप देखिए यहाँ पे 1.587 आ गया था, अब हमें DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वो कैसे आएगा, देखिए ये आ गया हमारा 1.587, ये वाली वैल्यू आ गई और प्लस 1.2, क्योंकि ये BD+1.2 था, BD+1.2 था, तो BD+1.2 जो फ्लाइट डिस्टेंस होगा BD+1.2, तो हमने क्या किया 1.2 में इसको प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.279 मीटर और यही हमारा आंसर भी होगा, राइट।
सो उम्मीद करता हूं कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।